हेलो व्यूवर्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। तो देखिए, आज मैं आपको एक 30x40 नॉर्थ फेस प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सेंटर लाइन डायग्राम है, ओके। और इसके अलावा और एक प्लान रहता है, वो है फुटिंग। फुटिंग मतलब सॉइल एक्सकेवेशन, फाउंडेशन के लिए सॉइल एक्सकेवेट करते हैं ना हम, तो फुटिंग पर्पोज़। तो उसका और एक प्लान है, ये जो है ना, जब आप कॉलम के बार्स बिठाते वक्त हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा और एक प्लान रहेगा। तो तीन टाइप के प्लान, एक तो प्लान रहेगा मेन प्लान, लिविंग साइज कॉलम रूम साइजेस, दूसरा वाला जो है सेंटर लाइन डायग्राम, और तीसरा वाला जो है और ए वाला एक प्लान। तो ये सब होने के बावजूद अगर आपके पास ये सब रहा तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, या फिर कॉलम क्रॉस आने के चांसेस नहीं रहेंगे, या फिर टेढ़ा होने का चांसेस नहीं रहेगा। अब बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि कॉलम बिठाने के बाद कॉलम थोड़ा सरक जाता है, तो उन सब मिस्टेक को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का एक डिटेल प्लान रहा तो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करिए चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल को, और रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ऑनलाइन इंजीनियर समझ लीजिए, और मेरा मोबाइल नंबर भी दे दूंगा आपको, और लेट्स डिस्कस अबाउट दिस प्लान। तो इसमें देखिए दोस्तों, इस तरह का एक प्लान है ये। इसमें इधर पार्किंग एरिया है, इधर यहाँ से रोड है, इधर तो रोड है, पार्किंग एरिया, यहाँ पे एक वेल आ जाएगा, ओके। ये हॉल, किचन, एक पूजा रूम है, और यहाँ पे एक बेडरूम, ओके। और यहाँ पे बात ये वाला सेकेंड पोर्शन के लिए, यहाँ से एंट्रेंस रहेगा, ये लिविंग एरिया, यहाँ पे किचन रहेगा, ये बाथरूम, और इस बेडरूम के लिए अटैच टॉयलेट रूम रहेगा, और एक टॉयलेट रूम जो है ना, इसके नीचे आ जाएंगे, स्टेयरकेस के नीचे जो है टॉयलेट रूम आ जाएगा। और कॉलम पोजीशंस यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये वाला जो है 7, 8, ये 9, 10, 11, 12, 12 नंबर ऑफ कॉलम्स। बाकी के दो जो है ना स्टेयरकेस के लिए सपोर्टेड डमी कॉलम्स आ जाएंगे। ये 9 इंच का दीवार है, इन बिटवीन जो है 6 इंच का दीवार लिया गया ताकि और जगह स्पेसियस रह सके, और यहाँ पे जो है 3 फीट 3 इंच का जगह दिया गया फॉर मोर, अगर फर्स्ट फ्लोर पे आप बांधना चाहते हैं तो जब उनके लिए पैसेज रहेगा। और उसी तरह इसके नीचे सेपरेट टैंक आ जाएगा, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर लाइन डाइग्राम, मतलब मार्कआउट करते वक्त किस तरह से चाहिए हमें। अगर ये रहा तो भी आप मार्कआउट नहीं कर सकते हैं। एंड मेरा मोबाइल नंबर है 8095615113, दोबारा बताना चाहता हूँ, 8095615113, फॉर पेड प्लान्स यू कैन कॉन्टैक्ट। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का एक प्लान था, और अभी मैं आपको इसका फुटिंग का डायग्राम बताना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम, कॉलम से क्या है, हम 4x4 का एक्सकेवेट लिया जाता है, एक नॉर्मल है, और 4x4 का एक्सकेवेट करने के लिए तो आउटर फेस से एक डोरी आता है ना, आउटर फेस से इसका कॉलम 4x4 तक 2 फीट 1.5 इंच तक रखा गया, फिर उसके बाद 4 फीट का कॉलम है, फिर इसका आउटर फेस से लेके आउटर फेस तक 6 फीट 9 इंच, सेम इसी तरह दूरी लिया गया। और ये एंड से आप 10.5 इंच छोड़ के, ये एंड से 2 फीट 1.5 इंच छोड़ने के बाद एक कॉर्नर मिल जाता है, एक कोना मिलता है। इसके बाद क्या है, आपको 4x4 का जगह छोड़ के फुटिंग एक्सकेवेट करना, सेम इसी तरह ये वाले को भी इसी ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ से इसका कॉलम का पोजिशन अलग है, ये वाला कॉलम का पोजिशन फेसेस अलग है, ओके। और ये 7.5 इंच आउटर मतलब बाउंड्री लाइन से, कंपाउंड वॉल जो डोरी रहता है ना, वहाँ एंड से यहाँ तक एक कोना मिलता है आपको। फिर उसी तरह ये वाला जो रहता है ना फुटिंग, इसका आउटर फेस से लेके यहाँ तक 6 फीट 9 इंच छोड़ने के बाद ये वाला कोना आपको मिल जाता है, सेम इसी तरह
इधर भी 7.5 इंच छोड़ा गया, सॉरी 10.5 इंच छोड़ा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ये बाउंड्री लाइन से क्या है, 7.5 इंच छोड़ने के बाद ये वाला कोना मिलता है आपको, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सभी सिमिलर वे में सभी इसी तरह ड्रॉ किया गया, मार्किंग जो इजी एक कन्वीनियंट वे में हो जाएगा आपको। और एक चीज़, ये वाला कॉलम आप कैसे करना चाहिए, तो देख सकते हैं आप इसको कॉलम को कंसिडर करना, इसका आउटर फेस से लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 5.5 इंच दूरी पे एक मार्क कर लेना। ओके, यहाँ आ गया मार्क आपका। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट 7.5 इंच छोड़ना चाहिए, तो इसका कोना मिलने के बाद आप इजीली 4x4 का मार्किंग कर सकते हैं। एक गड्ढा इजीली, एक इजी और कन्वीनियंट वे में मैं बता रहा हूँ, मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये डमी कॉलम क्या है, 3x3 का एक्सकेवेट है, एक्सकेवेशन किया जाए। और इसके लिए आप देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट से इसको नेसेसरी है, बिकॉज ये ऑलरेडी आउटर वॉल तक है, आउटर वॉल से 3 फीट रहता। फिर ये वाले एंड से लेके यहाँ तक जो है आप 9 फीट 3 इंच प्लस 4 फीट मतलब 13 फीट 3 इंच दूरी पे इसका एक कॉर्नर मिल जाता है, तो आप इजीली इसका मार्किंग कर सकते हैं। ये सब आप गड्ढा पूरा खोदने के बाद नेक्स्ट क्या रहता, कॉलम बिठाने का रहता है ना, ये वाला जो लाल कलर आप देख सकते हैं ये कॉलम बिठाने का रहता। तब क्या चाहिए, तब आपको उस वक्त आपको ये वाला प्लान चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे, पूरा गड्ढा सब खोद गए, फर्स्ट प्लान चाहिए घर वालों को दिखाने के लिए, मतलब कस्टमर को दिखाने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट फुटिंग का प्लान दिया, फुटिंग का प्लान देने के बाद नेक्स्ट आता है सेंटर लाइन डायग्राम। ये आपका सेंटर लाइन डायग्राम है, गड्ढा खोदने के बाद कॉलम बिठाते हैं ना, जब ये वाला नेसेसरी है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन आप करें तो आप समझ जाएंगे, इसका आउटर फेस लिया हूँ, इसका सेंटर लिया हूँ। रीज़न यही है बिकॉज कुछ जगह में क्या है, कम ज़्यादा होते ही रहता, प्लॉट 30x40 है मगर वहाँ जाने के बाद 29 फीट 6 इंच या फिर 29 फीट 3 इंच बाई 39 फीट 2 इंच आ सकता है। तो जब आप इसमें एडजस्ट कर लेना, ओके, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, इसका सेंटर से कंसिडर नहीं किया, इसका आउटर फेस से लेके ये वाला कॉलम का सेंटर तक क्या है 11 फीट 1.5 इंच आ गया। सेम इसी तरह सिमिलर वे में इसका सेंटर से लेके इसका आउटर फेस तक जो है 12 फीट 10.5 इंच है। फिर उसके बाद आउटर फेस से लेके इसका बाउंड्री का आउटर फेस तक जो है ना 2 फीट 3 इंच है डिफरेंस। तो ये कॉलम बिठाते वक्त कॉलम का जो लोहा बिठाते हैं ना, तब क्या है ये वाला प्लान नेसेसरी है। सो फॉर पेड प्लान्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी 8095615113, ये मेरा अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, या फिर कॉल भी रिसीव कर दूंगा। और सेम एक इसका हम बात करते हैं, इसका बाउंड्री से आउटर फेस तक जो है 2 फीट 3 इंच छोड़ा गया, फिर उसके बाद आउटर फेस से लेके सेंटर तक 10 फीट 4.5 इंच, फिर इसका सेंटर से लेके सेंटर तक जो भी बीच में आते हैं ना कॉलम, वो सेंटर टू सेंटर है, सेंटर से लेके इसका सेंटर तक 9 फीट 6 इंच, फिर इसका सेंटर से लेके आउटर फेस तक, ये जो है लास्ट कॉलम है फिलहाल इसके लिए, ओके, 11 फीट 4.5 इंच एक घर के लिए लास्ट कॉलम में। ये तो आप जब भी आप बना सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और इसका ये वाला कॉलम जो है ना, ये कोने पे जो रहता है ना, इसका आउटर फेस से लेके इसका सेंटर तक जो है ना 14 फीट 9 इंच, ये आपको इजीली मिल जाएगा। सेम इसी तरह सेंटर से लेके इसका आउटर फेस तक 13 फीट रहेगा। तो ये कुछ प्लान का डिटेल जानकारी दिया हूँ, तो ये सब इतना सब मेहनत है, आप सबको रिक्वेस्ट है प्लीज़ कंसल्ट करिए, सिविल इंजीनियर को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। और ये कोई कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं ना, वो चुप हाथ से डाल के आपको एक रफ एंड टफ मैप दे सकते हैं, तो मिस्टेक होने का मैक्सिमम चांसेस रहता। अगर एक इंजीनियर रहा तो वो आराम से बना देता है, उसको कोई अर्जेंट तो नहीं रहता, इंजीनियर रहा तो काम क्या अच्छा रहता। तो कभी भी क्या करना, आप सिविल इंजीनियर को हायर करना, कंसल्ट करना कंपलसरी, उनका कुछ कम ज़्यादा फीस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इंजीनियर से कंसल्ट किए तो सबसे बेस्ट रहेगा। हम जैसे इंजीनियर से कंसल्ट करिए, आपका घर बहुत खूबसूरत बनेगा। धन्यवाद।